नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। मोदी 2.0 के लिए दिसंबर का महीना फिर से ट्रबलसम या प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। पिछले साल एंटी सीएए एजिटेशन सरकार के सामने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चैलेंज के तौर पर उभरी थी। अगर कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया को इफेक्ट ना किया होता तो किसी को पता नहीं आंदोलन कब तक चलता रहता और सरकार को किस हद तक हिला सकती थी। ध्यान देने की बात है, शाहीन बाग भले ही ज्यादा सुर्खियों में रही हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पीसफुल एजिटेशंस देश भर में चल रहे थे। उत्तर भारत में बीजेपी सरकार के 3 फार्म ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ किसानों का आंदोलन जो फिलहाल चल रहा है, नई राजनीतिक चुनौती है। सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है, कहना मुश्किल है आगे क्या होगा, किस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे। लेकिन इतना क्लियर है, मोदी सरकार को पेजेंट्री के पावर का एहसास हो गया है। इतना समझ में आ गया है, इट इज नॉट सो इजी टू बी लिटिल एंड विलिफाई द इंडियन फार्मर्स। सारे लेबल्स जिनका इस्तेमाल संघ परिवार और उनके नेता हमेशा करते हैं, इस बार तमाम फेल हो गए हैं। टुकड़े टुकड़े और अवार्ड वापसी गैंग जैसे लेबल्स जिनका इस्तेमाल करती आई है ये सत्ता, वो अब चल नहीं रहे हैं। किसानों ने तो पुलिस वालों को खाना खिलाकर गांधीगिरी का भी एग्जाम्पल सेट कर दिया है। इस फार्मर एजिटेशन ने हिंदुस्तान में पेजेंट्स एजिटेशन के लंबे ट्रेडिशन पर फिर से ध्यान खींचा है। 19 सेंचुरी के पहले हाफ में हमारी पेजेंट्री एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के लीडरशिप रोल में होती थी। किसानों के लिए जमीन हमेशा से सैक्रोसैंक्ट रही है। In the early 19th century, Rajput peasants secured the abolition of the sale of land by public auction. किसान नहीं चाहते थे बाहरी व्यक्ति उनकी जमीन खरीद सकें। उसी समय 1817 में उड़ीसा के किसानों ने आंदोलन किया in protest against the introduction of taxation of their rent-free सर्विस लैंड्स। 1820s के दशक में पूना के किसानों ने रेवेन्यू लॉज में परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन किया। माइसोर स्टेट्स का बेदसोर जिला, मद्रास प्रेसिडेंसी में गुमसूर, करनाल, नागपुर, कोल्हापुर जैसे अनेक जगहों पर आंदोलन हुए अगेंस्ट द ब्रिटिश डिसीशंस ऑन इंक्रीजिंग लैंड रेवेन्यू। भील, कोली, खोंड जैसे आदिवासी कम्युनिटीज ने अपने इलाकों में आंदोलन किए। इट अल्टीमेटली लेड टू द फर्स्ट मेजर ट्राइबल पेजेंट्स एजिटेशन इन द संथाल परगनास इन 1855 एंड 1856। 20वीं शताब्दी आते आते रेगुलर किसान आंदोलन राजनीतिक यथार्थ बन चुके थे। हिंदुस्तान लौटने के कुछ ही साल के बाद गांधी जी चंपारण में इंडिगो फार्मर्स के आंदोलन के साथ जुड़े। ही प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द स्ट्रगल दैट वाज नॉट अगेंस्ट जस्ट यूरोपियन प्लांटर्स बट इवन अगेंस्ट द लोकल जमींदार्स। पिछले कुछ साल से बीजेपी के नेता, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरदार पटेल की लेगेसी को अप्रोप्रिएट
किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन विडंबना तो ये है, सरदार पटेल की नाम की दुहाई देने वाले आज उन्हीं के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा में बारदोली सत्याग्रह की बात नहीं करते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार ने लैंड रेवेन्यू में 30% इंक्रीज किया था एक ही झटके में। 1928 में किसान नाराज हुए एंड दे डिसाइडेड टू विथहोल्ड पेमेंट। उसके बावजूद सरकार ने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कोई बातचीत करनी नहीं शुरू की। तब जाकर उन्होंने सरदार पटेल को जाके बोला कि हम चाहते हैं कि आप हमारी लीडरशिप को लीजिए, हमको लीड करिए। सरदार साहब ब्लंट स्पीकिंग करते थे। उन्होंने उनको कहा, थिंक ट्वाइस बिफोर यू टेक द प्लंज, डू नॉट डिराइव कंफर्ट फ्रॉम द फीलिंग दैट यू हैव एज योर लीडर अ फाइटर लाइक मी। फॉरगेट मी एंड फॉरगेट माई कंपेनियंस, फाइट इफ यू फील दैट यू मस्ट रेजिस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। जो चेहरे दिल्ली के चारों तरफ दिखाई दिए सब डिटरमिंड थे, बिकॉज दे फेल्ट इट वॉज नेसेसरी टू रेजिस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। दे वेर ऑल्सो अगेंस्ट हेस्टी प्रोमल्गेशन ऑफ लॉज विदाउट एनी कंसल्टेशन विथ एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स। हर कदम पर सरदार पटेल ने आंदोलनकारियों से पूछा, आर यू विलिंग टू फेस हार्डशिप्स एंड फेस द ब्रंट ऑफ द कॉलोनियल एंगर। आजादी के बाद भी किसान आंदोलनों का सिलसिला चलता रहा। पहले अंग्रेज सरकार और लोकल जमींदारों के खिलाफ एजिटेशन होते थे, अब स्वाधीन भारत में सरकार के पॉलिसीज के खिलाफ एजिटेशंस होती हैं। बीजेपी सरकार के जून 5 के 3 फार्म ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ प्रोटेस्ट्स, दे फोर्स अस टू रिकॉल द फार्मर्स एजिटेशन ऑफ 1988। अक्टूबर 1988 में दिल्ली में एक सप्ताह लंबा आंदोलन ने शहर को क्रिपल करके रख दिया था। साथ ही राजीव गांधी सरकार की लेजिटिमेसी बहुत अंडरमाइन हुई थी। 25 अक्टूबर 1988 से लटियंस दिल्ली एक विशाल जन समुंदर में बदल गया था। अंदाजन 5 लाख से भी ज्यादा किसान राजपथ के बोट क्लब ग्राउंड्स पर उसको अपना लेजर ग्राउंड बना लिया था। हिंदुस्तान की एलीट के लिए ये एक नॉवेल और नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस था। गांव देहात से उठकर चला आया था शहर में, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, कार्ट्स, चारपाई, हुक्का एंड कुकिंग अंगीठीज। उस समय की एक न्यूज रिपोर्ट ने विविडली सिचुएशन को डिस्क्राइब किया था, सीकिंग चेंज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स पोर्ड ऑन टू द लश लॉन्स ऑफ बोट क्लब इन न्यू दिल्ली। देयर गॉन्ट वेदर बीटन फेसेस, सैक्स ऑफ फूड्स एंड यूटेंसिल्स, बंडल्स ऑफ हे फॉर बेडिंग एंड द थाउजेंड्स ऑफ ओवरलोडेड ट्रैक्टर्स dramatically drove home their point, contrasting sharply with the surrounding grandeur of what the British had called the Imperial Vista. Us andolan ke dauran, Tikait used the well-known Gandhian tools of mass mobilization and politics, non-violence and non-cooperation. Unhone apne followers ko, Bharatiya Kisan Union ke supporters ko, बेसिक डायरेक्शंस दिए थे, डू नॉट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और रीपे एनी ऑफ द बैंक लोन्स। उस समय के सरकार के क्लेम्स और ग्राउंड रियलिटी में कॉन्ट्रास्ट को उन्होंने हाईलाइट किया था, ठीक उसी तरह जैसे आज के किसान कर रहे हैं। किसानों ने बुनियादी मुद्दे उठाए थे 1988 में, द प्राइमरी हेल्थ सेंटर डज नॉट वर्क इन द विलेजेस, उन्होंने कहा था। कोरोना काल में
हेल्थ सर्विसेज में डेफिसिट अब सब जानते हैं। रोटी की बात तब भी उठी थी, 21वीं शताब्दी की बात राजीव गांधी की सरकार करती थी। फार्मर्स के स्लोगन भारत और इंडिया के डिवाइड पर केंद्रित होते थे। अभी भी आंदोलनकारियों के बैनर्स कहते हैं, जितना भी डिजिटल इंडिया बना लो, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होती। के तुम जो कितना भी देश को डिजिटल कर देना, गूगल से रोटी डाउनलोड कोई नहीं कर सकता, ये किसान ही रोटी पैदा करेगा। क्या था 1988 का किसान आंदोलन, क्या डिमांड्स थी, क्या आउटकम निकला था, क्या बात थी महेंद्र सिंह टिकैत में फॉर हिम टू बिकम अ नेशनली नोन पब्लिक फिगर आउटसाइड द इलेक्टोरल एरिना। एंड फाइनली इस आंदोलन ने इतना जोर कैसे पकड़ा था। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बात करते हैं। 1988 के आंदोलन की शुरुआत उससे 2 साल पहले वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के शामली तहसील में करमू खेड़ी गांव से हुआ था। वहां एक थर्मल पावर स्टेशन था जहां किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर के अंडर धरना देना शुरू किया। महेंद्र सिंह टिकैत हैड बाय देन ऑलरेडी इमर्ज्ड ऑन द पब्लिक एरिना फ्रॉम 1986 ऑनवर्ड। ही वाज अमंग द फर्स्ट वंस टू आर्टिकुलेट द फार्मर्स नीड फॉर मॉडर्न एमिनिटीज एंड टू मेक फार्मिंग मोर प्रोडक्टिव एंड रेम्यूनरेटिव। अप्रैल 1986 में टिकैत ने अपने गांव सिसौली में पंचायत बुलाई, पावर टैरिफ के हाइक के खिलाफ करमू खेड़ी गांव में धरना देने की बात की गई। 3 लाख किसान से ज्यादा एकत्रित हुए। उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को विद इन 4 डेज हाइक को रोल बैक करना पड़ा था। यह थी किसानों की पहली विक्ट्री। उसके बाद मूवमेंट को फिर से एस्केलेट किया गया। जनवरी 1988 में मुद्दा था इंक्रीज इन शुगर केन प्राइसेस टू ₹35 पर क्विंटल, यानी कि जिसको आज MSP बोला जाता है। एंड द फार्मर्स आल्सो डिमांडेड वेवर ऑफ 6 मंथ्स ऑफ पावर बिल्स। 27 जनवरी 1988 में मेरठ के डिवीजन कमिश्नर के ऑफिस को घेर लिया गया। मुख्यमंत्री को लगा किसान थक जाएंगे और लौट के चले जाएंगे, तो उन्होंने नेगोशिएशंस में कोई पहल नहीं दिखाई। उस वक्त इंडिया टुडे मैगजीन ने एक रिपोर्ट में लिखा था, द गवर्नमेंट्स प्लान टू टायर आउट द फार्मर्स प्रूव्ड फ्यूटाइल। ट्रॉली लोड्स ऑफ फूड स्टफ केम इन डेली फ्रॉम 20 ऑड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश to sustain the dharna. The 6,000 odd policemen brought by the administration gradually went back to their barracks. An army of medical teams that was pressed to nurse the ailing who did not relent despite their illness. Thand se kai kisano ki mrityu hui. Tab bhi sab date rahe. 25 dinon tak andolan chala. उनकी मांगे नहीं मानी गईं। आंदोलन को ज्वाइन करने के लिए कई और किसान अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे। तब रजबपुर में पुलिस के साथ एक कन्फ्रंटेशन हुई और उसमें फायरिंग के बाद कई किसान मारे गए, बहुत और किसान घायल भी हो गए। सिचुएशन बिगड़ने के पहले ही महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन को वापस ले लिया, लेकिन घर जाते समय हर किसान कहता गया, हम फिर आएंगे, चाहे यहां आएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे। जनवरी फरवरी 1988 के मेरठ सीज के बाद इंडिया टुडे ने अपने एक और अंक के रिपोर्ट में लिखा,
The dust around the Meerut Commissioner's office has settled. The besieging cohorts of Mahendra Singh, Tikaits, Bharatiya Kisan Union have folded up their tents and gone home. Though the state government rejoiced, saying Tikait had backed down, the 25-day dharna raised a potent new force that will continue to haunt the Uttar Pradesh Chief Minister Bir Bahadur Singh and influence political developments in the state. Sirf state mein nahi kiya, pure desh mein kiya. Rajappur mein firing ke khilaaf 110 din ka satyagraha alag chala Meerut siege khatam hone ke baad. Meerut siege and Rajappur satyagraha reminded many of the Bardoli satyagraha, Indian independent Meerut siege and the Rajappur satyagraha reminded many of the Bardoloister led by Sardar Patel. Independent India had indeed not witnessed peasants' resolve of such intensity prior to this. Finally, Sarkar ne 8 June 1988 ko Rajappur firing ke upar ek judicial commission ko constitute kiya. Between 1986, when Tikait starting agitating, and February 1988, when he called off the Meerut siege, the political fortunes in India had altered dramatically. 1984 ke Lok Sabha chunav mein Congress ko 400 se zyada seate aayi thi. Rajiv Gandhi ko shayad lagne laga tha that he had become politically invincible. But in late 1986, there were rumbles within his own party. V.P. Singh began distancing himself and started preparing for an exit from the Congress party. June 1987 mein Haryana Vidhan Sabha ke liye chunav hue, usme Congress ki buri tarah se haar hui. Haryana mein Mukhya Mantri banne ke turant baad Devi Lal ne loan waiver scheme announce kiya. Us samay Bofors kickback scam hamare political narrative ka ek intrinsic hissa ban chuka tha. In sare factors ki wajah se UP mein Mahendra Singh Tikait ko jo kisanon mein ek sense of disenchantment aur dissatisfaction tha usko harvest karne mein bahut hi aasani hui. Rajappur satyagraha ke dauran Mahendra Singh Tikait ne ek musliman ladki ke abduction ka mudda bhi uthaya tha. Isse andolan ka character aur inclusive ho gaya tha. Rajappur satyagraha khatam hone ke baad bhi Naima ke apharan ke khilaf jo andolan tha wo chalta raha. Finally, when the unfortunate girl's dead body was recovered by the police, it was wrapped in the famous BKU flag. It was then buried under the chants of Allahu Akbar and Har Har Mahadev or Behen Naima Amar Rahe. BKU ka andolan completely apolitical tha. Kisi bhi rajnitik neta ko jo kisi political party se affiliated the, unko apne platforms par kisi ko aana allowed nahi tha. It, however, took little time for the public sentiment to turn against the Rajiv Gandhi government. Dilli se apne maange manwane ke baad hi kisan October 1988 mein wapas gaye the. Unhone October 31st ka jo commemorative function tha Boat Club mein Indira Gandhi ke martyrdom day par, usko bhi kisi aur location mein sarkar ko shift karne ke liye majboor kar diya tha. Aaj ke satta paksh ko seekh leni chahiye. Sansad mein numbers par sirf depend nahi kiya ja sakta. Public mood kab aur kaise aur kis wajah se badal jata hai, overnight koi keh nahi sakta. It should
always be remembered that those who fail to learn from history are doomed to repeat it. हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत धन्यवाद. जैसा हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको प्लीज शेयर करिए और सोशल मीडिया पर अवश्य लाइक करिए. नमस्कार. Thank you.